बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साहब जी, आज बीतक की चर्चा का तीसरा दिन है। कल की चर्चा में हमने सुना कि इस खेल में आने की भूमिका कैसे बनी, जिसे हम कारण और महाकारण के रूप में जानते हैं। फिर ब्रज में कैसे आए, किस प्रकार वहां 11 वर्ष और 52 दिन की लीला हुई, किस प्रकार हम वहां से रास की भूमिका अर्थात योगमाया में गए, वहाँ कैसे प्रेम और आनंद की लीला की, और उसके पश्चात किस प्रकार माया का पहला खेल देखते हुए अथवा ब्रज और रास लीला को देखने के पश्चात हम परम धाम गए। प्रकाश की वाणी के पहले प्रकरण में ही हमने पढ़ा है कि कछु इन विध कियो रास, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे आइया उमेदा कर। उमेदा न हुईया पूरण, धाख मन में रही, तब धनीय अंतर्गत हुकम कियो सही। अब परमधाम में हम जब जागृत हुए अपने परात्म में, तो माया का खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि माया के विषय में जैसा वर्णन किया गया था कि दुख ही दुख का संसार होगा, वहां पर जन्म मृत्यु सब देखना पड़ेगा, हमने किसी भी अपने व्यक्ति की मृत्यु नहीं देखी थी और दुख भी नहीं देखा। ब्रजमंडल में कृष्ण जी साथ ही साथ थे, तो ये भी नहीं हुआ कि तुम भूल जाओगे मुझे। रास में भी साथ ही साथ थे, भले ही पल भर की जुदाई हुई, लेकिन इससे दुख देखने की जो इच्छा थी, और विशेष रूप से जिन ब्रह्मात्माओं को तामसी सखी कहा गया, उनकी खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने अब दोबारा जिद की कि हमें तो सच में वैसा वाला खेल देखना है जहाँ पर सारे प्रकार के सभी प्रकार के दुख देखना पड़े। तो राजी ने अब दिल में लिया कि ब्रह्मात्माओं को पुनः माया में भेजना है, लेकिन राजी ने क्योंकि मूल स्वरूप ने पहले ही अपने हृदय में सारे खेल का विवरण लिया हुआ है कि ब्रह्मात्माओं को कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ पर जाना है, तो इसलिए ब्रज में जैसे एक ही गांव में इकट्ठे सभी गोपियों के तन में थे, जागनी के ब्रह्मांड में हर दृष्टि से जुदाई देनी थी, हर दृष्टि से वियोग दिखाना था, इसलिए स्त्री पुरुष फिर विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में डालना है, किसी को अमीर के अंदर, किसी को गरीब में, किसी को भारतीय बनाना है, किसी को किसी दूसरे प्रांत में भेजना है, दूसरे राज्य में भेजना है, इसी तरह हर प्रकार से जुदाई देनी थी। तो राजी ने दिल में लिया इस खेल को बनाने का, और अब ब्रह्मात्माओं के आने की भूमिका तो बन ही रही थी, लेकिन ब्रह्मात्माओं से पहले जिस प्रकार एक पक्ष, जिसको हम हिंदू पक्ष अथवा सनातनी कहते हैं या फिर वैदिक पक्ष कहते हैं, उनमें परब्रह्म की साक्षी देने के लिए तो वेद, दर्शन, उपनिषद और न जाने कितने धर्म ग्रंथ थे, लेकिन एक समय ऐसा था जब अरब में
अमानवीय प्रथा चल रही थी। अमानवीय प्रथा का तात्पर्य सामान्य मनुष्य में होने वाले गुण भी उनमें नहीं थे, पशुवत जीवन था, शिक्षा का प्रचार नहीं था, सभी लोग केवल शरीर को पालने तक ही सीमित थे। और ऐसे में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं को पूजते थे, उनके सामने बलि देते थे और वहाँ के लोगों को धर्म का ज्ञान देने के लिए, वहाँ के लोगों को एक परब्रह्म की पहचान देने के लिए रास की लीला के पश्चात अक्षर की जो सूरता है उसने अरब में मुस्तफा के तन में प्रवेश किया। पंडित अब्दुल्ला और अमीना के वह पुत्र हैं और जिस समय मुस्तफा का जन्म हुआ उनकी जो शोभा है उस शोभा को कहते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद का अर्थ होता है जो महिमा से परे हो, जिसकी महिमा का वर्णन कर पाना यहाँ के शब्दों में संभव न हो, उसको मुहम्मद कहा जाता है। तो उस रूप में अक्षर की सूरता आई। अब जब हम इस विषय में बात करते हैं तो कई बार निजानंद संप्रदाय को इस्लाम परक घोषित किया जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। देखिए, ज्ञान की दृष्टि से यदि बात करें, मैं व्यवहारिक बात नहीं कर रहा, मैं ज्ञान की दृष्टि की बात कर रहा हूँ। जब हम ज्ञान की दृष्टि से बात करते हैं तो शब्दार्थ देखते हैं तो इस्लाम का अर्थ होता है जो शांति का मार्ग है। तो शांति का मार्ग होना बुरा नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में, अथवा यूं कहें कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद ही, मुसलमानों ने धर्म के नाम पर जो अत्याचार किया, मोहम्मद साहब और कुरान के नाम पर जो अत्याचार किए, जिसके कारण इस्लाम बदनाम है, धर्म के नाम पर जो जिहाद किया गया, जिहाद का अर्थ क्या होता है? जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म युद्ध। वास्तव में धर्म युद्ध का तात्पर्य कहीं बाहर हथियार से लड़ाई करना नहीं है। धर्म युद्ध का तात्पर्य होता है कि धर्म की रक्षा के लिए तैयार होना, युद्ध करना, लेकिन वो हथियारों से नहीं होता। हाँ, यदि किसी की रक्षा के लिए अथवा आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना पड़े हथियारों वाला, तो वो अलग बात है। अन्यथा धर्म युद्ध का तात्पर्य होता है हमारे अंदर जो अधर्म है, हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी दज्जाल है, जिसको वैदिक परंपरा में अथवा हिंदू धर्म में कलयुग कहा जाता है, इसी को कते परंपरा में दज्जाल कहा जाता है। अब कलयुग का अर्थ क्या होता है? कलयुग का अर्थ होता है अज्ञानता अथवा माया, जिसको हम कहते हैं मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य। तो चाहे जिसको मोह कहें, अज्ञानता कहें, भ्रम कहें, वही कलयुग है और वही दज्जाल है। लेकिन मुसलमानों ने क्या सोचा कि देखो, जितने ज़्यादा काफिरों को मारेंगे हमें उतना ही सवाब मिलेगा, सवाब कहते हैं पुण्य को। लेकिन काफिर कौन है? काफिर है जिसके अंदर कुफ्र हो। कुफ्र का अर्थ होता है बेईमानी। तो ऐसा तो नहीं है कि बेईमानी केवल दूसरे संप्रदाय के लोगों में है। बेईमानी क्या मुसलमानों में नहीं होगी? आज 72 फिरके चल रहे हैं इनके। सिया वाले सुन्नी को काफिर कहते हैं, सुन्नी वाले सिया को काफिर कहते हैं। और सिया और सुन्नियों में भी जब बात करेंगे तो देवबंदी वाले बरेलवी को काफिर कहते हैं, बरेली वाले देवबंदियों को काफिर कहते हैं। इसी तरह से सभी के सभी 72 फिरके अथवा 72 संप्रदाय कह लीजिए, ये एक दूसरे को काफिर कहते हैं। सब एक दूसरे की नज़र में काफिर है, फिर केवल हिंदू काफिर कैसे हुआ?
जो भी व्यक्ति बेईमानी का कार्य करे वो सारे व्यक्ति काफिर हैं, सबके मन में वो बेईमानी है। तो युद्ध किससे करना है? बेईमानी से। एक किसी महापुरुष ने कहा है ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो जिसके मन में पाप है उससे घृणा करनी है अथवा उसको सुधारने का प्रयास करना है, वही वास्तव में युद्ध है। धर्मयुद्ध का तात्पर्य है अपने अंदर के अधर्म को, अपने अंदर की अज्ञानता को समाप्त करना। लेकिन इन्होंने इसका अर्थ बिल्कुल अलग किया। और क्या किया कि जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, दूसरी मान्यता के लोग हैं, उनको मारना अथवा उनको जबरन मुसलमान बनाना ये धर्म है। वास्तव में इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम का तो क्या कहना है कि देखो तुम्हारा ईमान तुमको मुबारक और हमारा ईमान हमें मुबारक। अर्थात तुम जिस पर विश्वास करते हो उस पर विश्वास करो, हम जिस पर विश्वास करते हैं उस पर करेंगे। तो ये ज़बरदस्ती तो नहीं हुई। लेकिन मोहम्मद साहब के जाने के बाद सारी लड़ाई जो थी वो धर्म की नहीं थी, वो लड़ाई अब बन गई थी सत्ता की लड़ाई। और सत्ता की लड़ाई का तात्पर्य है राजनीति। और जहाँ राजनीति ने धर्म को राज्य करने का एक तरीका बनाया अथवा एक हथियार बनाया, तो वहाँ धर्म के नाम पर सबसे बड़ा बंटाधार होता है। मोहम्मद साहब के जाने के बाद जितने भी खलीफा हुए उन सभी खलीफाओं ने धर्म शब्द का, इस्लाम शब्द का, कुरान का, जिहाद का, काफिर का गलत अर्थ निकाला। और इतना ही नहीं, जो सही आयतें थी उनका तो गलत अर्थ किया ही, और साथ में बहुत सारी आयतें इन्होंने जोड़ भी डाली। जो असली कुरान है वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। असली कुरान के बारे में कहा जाता है कि उस समय, क्योंकि पत्र में लिखने की परंपरा थी, पत्ते नहीं होते थे बड़े बड़े, उन पत्तों में लिखने की परंपरा होती थी, तो कहते हैं कि बहुत सारी जो आयतें थी वो मोहम्मद साहब ने आयशा को संभालने के लिए दे रखी थी। और वो कहते हैं कि वो आयतें तो जो पत्तों में लिखी गई थी वो तो बकरी खा गई। तो आज भी अनेक मुसलमान ये मानने के लिए तैयार हैं कि कुरान में कई आयतें हैं जिनको हम शैतानी आयत कहते हैं, शैतान ने किया है, यह खुदा का काम नहीं है। लेकिन उनसे कहा जाए कि जैसे हिंदुओं में धर्म ग्रंथों की जो गलत अर्थ है या गलत प्रक्षेप किए गए हैं उनको सुधारने के लिए हमेशा हम हिंदू तैयार होते हैं, मुसलमानों को कहा जाए कि यदि कुरान में गलत आयतें लिखी गई है तो आप क्यों नहीं हटाते, तो वो कहते हैं कि हमें इस बात का अख्तियार नहीं है, हमें इस बात का अधिकार नहीं है कि कुरान में हम एक मात्रा का भी फेर बदल करें। और इसी कट्टरता के कारण आज इस्लाम बदनाम है। आज यदि कोई भी व्यक्ति इस्लाम की बात करे तो उसको अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। वास्तव में सत्य ये है कि परब्रह्म परमात्मा केवल एक वर्ग विशेष का नहीं है, परमात्मा हिंदुओं का भी उतना ही है, मुसलमानों का भी उतना ही है। लेकिन उसको पाने के लिए जो गुण होने चाहिए, यदि किसी व्यक्ति में वो गुण है तो, गुण ही नहीं है तब तो चाहे कोई व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले चाहे हिंदू धर्म स्वीकार कर ले उसका कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी के लिए होता है, चंद्रमा की शीतलता सभी के लिए होती है, वायु प्रवाहित होता है तो सबके लिए होता है, इसी तरह से परब्रह्म का जो प्रेम है वो सबके लिए है। परब्रह्म परमात्मा की जो दया है वो सबके लिए है। ब्रह्मवाणी का क्या कथन है? सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक ही दया, देत दीदार सबन को साईं, जिन्हों जैसा चाहिए। परमात्मा के लिए सब बराबर है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा से हट करके कार्य करेगा तो उसको उसका दंड मिलेगा, ये परमात्मा का न्याय भी है। तो मुसलमानों ने क्या किया? अपनी मर्यादाएं भंग की।
जो इस्लाम शांति का मार्ग होना चाहिए था, मुसलमानों ने उसको सबसे ज़्यादा बदनाम किया। आज पूरे दुनिया में यदि कोई संप्रदाय ऐसा है, यदि कोई सिद्धांत ऐसा है जिससे सबसे अधिक लोग घृणा करते हैं, तो वो इस्लाम है। हाँ, उनके अंदर कट्टरता होगी और सांप्रदायिक कट्टरता के कारण यदि वो हिंदुओं से घृणा करते हैं तो अलग बात है, लेकिन सैद्धांतिक जो विचारधारा चल रही, मैं उस विचारधारा की बात कर रहा हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में कमी नहीं है, कमी तो हिंदुओं में भी है, लेकिन जहाँ बात आती है उन कमियों को सैद्धांतिक रूप में बताने की, हिंदू एक समय के बाद अपनी कमी को स्वीकार कर लेता है। समय समय पर हिंदुत्व में विभिन्न जो संप्रदाय हैं उनमें सुधारवादी आंदोलन भी हुए हैं। जैसे किसी समय हिंदुओं में सती होने की परंपरा थी, लेकिन जब राजा राममोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती आदि महापुरुषों ने इसका विरोध किया तो सभी हिंदुओं ने इस बात को स्वीकार किया। किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारी सांप्रदायिक बात है, ये हमारी धार्मिक बात है, हम कानून को नहीं मानेंगे। और इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में चाहे वो ट्रिपल तीन तलाक की बात हो, चाहे वो बुर्का प्रथा की बात हो, चाहे दूसरी और सांप्रदायिक चीज़ों की बात हो, यदि कानूनी रूप में इसका विरोध किया जाए तो वो कहते हैं कि हम कानून को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। जबकि हिंदुत्व में वो कट्टरता नहीं है। हाँ, बुराइयाँ भले ही हों, हिंदुओं में भी सती प्रथा एक समय में थी, बलि प्रथा है, छुआछूत है, जातिगत भेदभाव है, लेकिन धीरे धीरे आज वर्तमान में सुधार आ रहा है और इस्लाम कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत पीछे है। इसलिए जब इस्लाम की बात आती है, जब वाणी और बीतक में इस्लाम पर कुछ शब्द आते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि निजानंद संप्रदाय में कुरान की बातें क्यों हैं, मुसलमानों की या मोहम्मद की बातें क्यों हैं। और इसकी वास्तविकता ये है कि देखिए, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, चाहे परमात्मा को कोई खुदा कहे, चाहे कोई ईश्वर कहे, परब्रह्म कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मुसलमानों ने कुरान की आयतों का गलत अर्थ किया, उस गलत अर्थ का दोष कुरान पर नहीं मढ़ा जा सकता है, ना मोहम्मद साहब पर मढ़ा जा सकता है। आज जो तथाकथित रूप से स्वयं को हिंदू कहते हैं और कहते हैं कि निजानंद संप्रदाय जो है वो इस्लाम पर रखे, वास्तव में इन्हें हिंदुत्व का अर्थ ही मालूम नहीं है, वास्तव में उन्हें वेद की आज्ञा का ही मालूम नहीं है। देखिए, वेद के कथन में और कुरान पक्ष के कथन में कई बातें समान है। जैसे वेद का कथन क्या है, परमात्मा कितने हैं, परमात्मा एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमम मातर इस्वानमाहु। और कते परंपरा में भी इसी बात को कहा जाता है कि परमात्मा एक है। जो हिंदू होकर वेद की इस आज्ञा को न माने कि परमात्मा एक होता है, तो वो कैसा हिंदू। जो हिंदू कुल में जन्म लेकर के श्री कृष्ण जी के कथन को कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारा द्विजोच्यते, उसको न माने और जन्म के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ तथा दूसरे को हेय दृष्टि से, नीच की दृष्टि से देखे, तो वह कैसा हिंदू। हिंदू कौन होता है, जो हीन कर्मों से दूर हो, जैसे प्राणनाथ जी की वाणी कहते हैं ना, नीच कर्म के निकट न जावे, वास्तव में ऐसा व्यक्ति हिंदू होता है। जो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, इस बात का पालन करता हो, वह हिंदू है। जो मनुस्मृति का कथन अनुमंता विशषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता च उपहर्ता च खादकश्चेति घातका, इस श्लोक का पालन करता हो और प्राणी की हत्या न करता हो, मांसाहार न करता हो, जो शराब का सेवन न करता हो, जो परस्त्री गमन न करता हो, वास्तव में वो हिंदू है। और इसी हिंदुत्व से ही
कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर के दूसरे संप्रदाय बने हैं। जैसे जो अरब देश हैं, चाहे आप ईसाई मत को ले लीजिए, चाहे इस्लाम मत ले लीजिए, चाहे यहूदी मत ले लीजिए, इन सब में 10 धर्मादेशों का वर्णन आता है। वो 10 धर्मादेश क्या हैं? कहीं ना कहीं धर्म के 10 लक्षणों का ही बदला हुआ स्वरूप है, जिसमें चोरी न करना, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, माता पिता की सेवा करना, ऐसी बातें सिखाई जाती हैं। ये सारी बातें कहाँ से गई हैं? हिंदुत्व से ही तो गई है ना। संसार में जितने संप्रदाय हैं, उन सब में यदि कोई अच्छी बात गई है, चाहे वो बौद्ध मत के पंचशील का सिद्धांत हो, चाहे वो कते परंपरा में धर्म के 10 आदेशों का वर्णन हो, चाहे किसी भी संप्रदाय की कोई भी अच्छी बात हो, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ग्रंथों के वेद, दर्शन, उपनिषद और पौराणिक साहित्य तथा ऐतिहासिक साहित्य में मिल ही जाता है। कोई नई बात कहीं भी नहीं लिखी है। तो जो अपने हमारे धर्म ग्रंथों की बातों को मानता है वो हिंदू है, और जो हिंदू परिवार में पैदा तो हुआ है, अपना नाम भले ही देवताओं के नाम पर रखता है, अपना नाम भले ही परब्रह्म के गुणवाचक शब्दों के आधार पर रखता है, लेकिन यदि उसमें गुण न हो तो वो कैसा हिंदू? आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हिंदू कहलाते हैं, उनको हिंदुत्व का अर्थ ही पता नहीं है। जो वास्तव में धर्म के मर्म को समझेगा, जो वास्तव में वेद के मर्म को समझेगा, वो कभी भी भाषा के नाम पर, वो कभी भी वेशभूषा के नाम पर विवाद नहीं करेगा। और यही स्थिति चाहे वो बाइबल की है, चाहे कुरान की है, वो वैसे ही रहेगी। जो वास्तव में कुरान को जानता होगा, मानता होगा, वो कट्टर नहीं होगा। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले किसी अखबार में मैंने एक लेख पढ़ा था, और उस लेख में क्या बताया गया था कि किसी जगह पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, और उस आतंकवादी हमले में ये लोग धर्म पूछ पूछ करके मारते हैं ना, कि पहले कलमा पूछते हैं कि इनको कलमा आता है कि नहीं, अगर आता है तो सोचते हैं कि ये मुसलमान है और छोड़ देते हैं, और नहीं आता हो तो फिर मार देते हैं। तो एक लेख आया था जो किसी ईसाई दंपत्ति के द्वारा अपनी बात बताया गया था, जिसमें तो उसमें वो जो पुरुष है, गाड़ी में पति पत्नी जा रहे होते हैं, तो एक आतंकवादी उनको रोकता है और गाड़ी खोल करके उनको कहता है कि तुम एक आयत सुनाओ कुरान की। तो जो पुरुष है, जो पति है, वो कुछ कुछ बोल देता है मन मर्जी का। तो उसको कहते हैं अच्छा जाओ ठीक है। तो पत्नी ने पूछा कि तुमने तो बाइबल की जो पंक्ति है उसको बोला, उसने कैसे जाने दिया, उसने कैसे छोड़ दिया? तो वो पति कहता है कि देखो, अगर उसने सच में कुरान पढ़ी होती तो वह आतंकवादी नहीं बनता। मुझे पता है कि इसने कुरान नहीं पढ़ी, इसलिए मैंने अपने हिसाब से जान बचाने के लिए कह दिया, और परिणाम तुम्हारे सामने है। देखिए, जो वास्तव में कुरान के मर्म को समझते हैं वो APJ अब्दुल कलाम जैसे बनते हैं, वो तारिक फतेह जैसे बनते हैं, जिन्हें सांप्रदायिक कट्टरता से कोई लेना देना नहीं, उदारवादी होते हैं। जैसे हिंदुत्व में क्या कहा जाता है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आप दारा सिकोह को ले लीजिए, आप रसखान को ले लीजिए, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन भक्ति किसकी करते हैं? कृष्ण जी की, जबकि नाम मुस्लिम है उनका। तो जो वास्तव में धर्म को समझेगा वो कभी भी कट्टर नहीं होगा, क्योंकि धार्मिकता तो मुक्ति का नाम है, बांधने का नाम नहीं है कि ऐसा करोगे तो मिलेगा, वैसा करोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो यही बात बताने के लिए कि धर्म सच्चा क्या है, वास्तविक धर्म क्या है,
परब्रह्म की पहचान क्या है, वेशभूषा और भाषा से परे धर्म का स्वरूप क्या है, परमात्मा कैसा है, उसको कैसे पाया जा सकता है, उसको ही बताने के लिए वाणी तथा बीतक में निजानंद दर्शन के सिद्धांत में कतेब परंपरा को भी शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य ये बताना नहीं है कि लोग मुसलमान बने, जिसका उद्देश्य ये बताना है कि अगर कोई वास्तव में इस्लाम है तो वो इस्लाम की वास्तविकता क्या है, एक सच्चे मुसलमान को कैसा होना चाहिए, ये बताने के लिए वाणी और बीतक में इस्लाम परक शब्द आते हैं। सनंद, खुलासा और कयामत की वाणी में मुसलमानों की प्रशंसा नहीं की गई है, किसकी प्रशंसा की गई है, मोहम्मद साहब की तो प्रशंसा की गई है और कुरान की भी प्रशंसा की गई है, लेकिन मुसलमानों को तो असुर कहा गया है। वाणी क्या कहती है, वेद आया देवन पर असुरन पे कुरान, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है वो आसुरी प्रवृत्ति है। लेकिन इसका तात्पर्य दूसरा पक्ष इसका ये है कि देखो, आसुरी पक्ष मुसलमानों में तो है ही, बहुत अधिक मात्रा में है, उनका आहार विहार देख लीजिए, खान पान से लेकर के उनका इतिहास देख लीजिए। सोचिए कि एक तरफ हिंदू संस्कृति में एक पिता के तीन पत्नियों से चार पुत्र हैं, जिनका नाम है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे बड़ा बेटा जो कि राज्य का अधिकारी होता है, उसको कारणवश वनवास जाने के लिए कहा जाता है, तो सबसे बड़ा पुत्र राज्य का मोह नहीं करता, कहता है कि पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, और वह 14 वर्ष के लिए वनवास पर निकल जाता है। और दूसरा भाई है जिसको अनायास ही राज्य मिला है, लेकिन कहता है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, और अपने बड़े भाई के खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके 14 वर्षों तक बड़े भाई की प्रतीक्षा करता है, और बड़े भाई के पुनः लौटने पर वह राज्य वापस लौटा देता है। एक तो वो इतिहास है, और दूसरा राक्षसी प्रवृत्ति का इतिहास है। शाहजहाँ के भी 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद और शुजा। दारा शिकोह सबसे बड़ा, जिनमें चारों में से देखा जाए तो सबसे अधिक योग्यता भी थी, लेकिन चारों भाई आपस में लड़ते हैं राज्य के लिए। 3 भाई मिलकर के एक को मारते हैं, बाद में दूसरा बाकी दोनों को भी मार देता है, अपने बाप को कैद करता है, उस बाप को भी मरवा डालता है जहर वाले तेल से मालिश करके। तो दूसरी संस्कृति ऐसी है, तो राक्षसी संस्कृति तो है ही, लेकिन इसका दूसरा पक्ष मैं बताने जा रहा था कि हिंदुत्व में आप कामाख्या मंदिर जा कर के देखिए, खून की नदी बहती है, ये कौन सी प्रवृत्ति है, ये दैवी प्रवृत्ति है कि राक्षसी प्रवृत्ति है। यदि देवता अथवा ईश्वर अथवा भगवान, आप जिस नाम से जानते हो, वो किसी का मांस खाकर के प्रसन्न हो तो वो देवता है कि राक्षस है। पुराण में जो कथा आती है कि शुंभ निशुंभ नाम के जो राक्षस थे, किसी समय में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष नाम के राक्षस थे, किसी समय में महिषासुर और रक्तबीज नाम के राक्षस थे, तो पौराणिक आख्यान के अनुसार भी ये राक्षस, इनको राक्षस क्यों कहा गया, क्योंकि ये दूसरे प्राणियों को मारते थे, क्योंकि ये ऋषियों के हवन के समय में जानवरों को मार करके हवन भंग करते थे, तो जानवरों को मारना राक्षसों का गुण हुआ ना। और आप देवताओं के नाम पर यदि जानवरों की बलि देते हो तो आप में भी वो राक्षसी प्रवृत्ति है। मुसलमानों में तो है ही, लेकिन जो हिंदू पशुओं की हत्या करता है वो भी राक्षस ही है, चाहे वो पूजा किसी की भी करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो रावण भी शिव जी की पूजा करता था ना, लेकिन उसको राक्षस क्यों कहा गया, राक्षस उसके दांत लंबे लंबे और सींग थे इस वजह से नहीं, उसकी प्रवृत्ति के कारण। किसको पूजा जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपका आचरण कैसा है, इससे फर्क पड़ता है। तो
दोनों को अपने अपने अवगुणों को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसीलिए वाणी और बीतक में कतिब पक्ष की चर्चा आती है। अब मैं प्रसंग में आता हूँ पुनः। तो मोहम्मद साहब, जिनके शरीर का, जिनके इस लौकिक नश्वर तन का नाम मुस्तफ़ा, माता पिता का नाम, पिता का नाम है पंडित अब्दुल्ला, माता का नाम है अमीना, उस घर में पैदा होते हैं। कुछ समय के पश्चात माता पिता का देहावसान होता है। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये भेड़ों को चराने का काम करते थे, एक चरवाहे का काम करते थे। 40 वर्ष की उम्र में उन्हें मेयराज होती है। मेयराज का अर्थ होता है दर्शन। उनको परमात्मा का दर्शन होता है, जिनको खुदा कहा जाता है, तो उनका दर्शन होता है। उनसे 90,000 हरूफों में बातें होती है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि जो 30,000 हरूफ हैं वह सबको बता सकते हो, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए है। 30,000 जो हरफ हैं वो कोई योग्य व्यक्ति दिखे तो उन्हें बता देना, और बाकी के जो 30,000 हैं वो जब मैं खुद आऊँगा तब बताऊँगा। तो जो 30,000 हरफ थे, जिनको शरीयत के हरफ कहा जाता है, शरीयत का अर्थ क्या होता है, हम बोलचाल में उसको कर्मकांड कहते हैं। शरीयत का अर्थ होता है दैनिक दिनचर्या वाली, जो नियमित दिनचर्या है उसको शरीयत कहा जाता है, कि इंसान को उठना कैसे है, पूजा पाठ कैसे करनी है, खाना कैसे खाना, ये सारी बातें जो बताई जाती है छोटी छोटी, तो वो शरीयत के अंदर आता है। तरीकत का अर्थ होता है उपासना। उपासना का तात्पर्य क्या है, भक्ति। शरीयत भक्ति नहीं है, शरीयत तो औपचारिकता है। औपचारिकता जब नियमित तौर पर करते हैं तो कभी जा कर के वो भक्ति में बदलती है। जैसे हिंदुत्व में भी ये बात कही जाती है कि कोई व्यक्ति नियमित रूप से 12 वर्ष तक कर्मकांड का पालन करता है तो वह उपासना करने लायक बन पाता है, यदि कोई कर्मकांड का पालन करे इस तरह से। तो इस प्रकार उन्हें 90,000 हरूफ में उन्होंने बातें की, और वही 90,000 हरफ समय समय पर जिब्रील के द्वारा, जो कि जोश का फरिश्ता कहा जाता है, उसके द्वारा समय समय पर अवतरित होते रहे। उन्होंने अरब के लोगों को, दुनिया को नहीं, अरब के लोगों को सबसे पहले एक परमात्मा के विषय में बताया। अन्यथा उससे पहले तो साल के वो लोग 360 दिन मानते हैं, 360 दिन पूजने के लिए उन्होंने 360 अलग अलग तरह की प्रतिमाएं, अलग अलग तरह की मूर्तियां बना रखी थी। तो बहुदेववाद का चलन था, घनघोर अज्ञानता थी, जिसमें मोहम्मद साहब कुरान का ज्ञान लेकर के आए, ज्ञान का वो प्रकाश लेकर के आए, लेकिन किसके लिए, अरब के लोगों के लिए। भारतवर्ष में तो वेद के ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित था ही, तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सबसे पहले ज्ञान का उजाला आया तो वो मोहम्मद साहब लेकर के आए। हाँ, अरब देश के लोगों के लिए मोहम्मद साहब कुरान रूपी ज्ञान का प्रकाश लेकर के आते हैं। और अब उन्होंने जब कहना शुरू किया कि परमात्मा एक है, तो अमूमन होता क्या है कि पहले हर अच्छी बात का विरोध होता है, इनका भी विरोध हुआ। ऐसा कौन है जिसका विरोध नहीं हुआ होगा दुनिया में, सबका विरोध हुआ है, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, सबका विरोध हुआ है। मोहम्मद साहब का भी विरोध हुआ, और वहाँ विरोध करने वाले लोग ऐसे नहीं थे कि घर के सामने आकर के हड़ताल करते, अनशन करते, ऐसे नहीं, क्योंकि वहाँ की जो कौम थी वो जाहिल कौम थी। जाहिल मतलब अनपढ़, और जो अनपढ़ अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर विवेक तो होता नहीं है, इसलिए हर छोटी छोटी बात पर लड़ने मरने को उतारू हो जाते हैं, और ऐसे लोगों से अपनी प्राण रक्षा करने के लिए स्वयं भी लड़ना पड़ता है। तो केवल लड़ना अधर्म नहीं है, क्योंकि अपने प्राण की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, मोहम्मद साहब ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिनके विषय में कई बार लोग पूरा सच जाने बिना ही विरोध कर देते हैं।
कि देखो उन्होंने हथियार के बल पर धर्म फैलाया, ऐसा नहीं है। उन्होंने हथियार के बल पर धर्म नहीं फैलाया, जब धर्म का वो प्रचार कर रहे थे, जब अरब के लोगों को वो एक परमात्मा की पहचान करा रहे थे, तो पहले के जो उपासक थे, पहले के जो कर्मकांडी लोग थे, उन्होंने मोहम्मद साहब तथा उनके अनुयायियों को मारने का सोचा, उनकी हत्या करने की सोची, उन पर हमले किए, और इस कारण से आत्मरक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाया था। वरना उन्होंने हथियार के बल पर धर्म का प्रचार नहीं किया। केवल एक सांप्रदायिक कट्टरता के कारण हम यदि इस बात को देखें कि नहीं उन्होंने हथियार उठाया था और हथियार उठा करके धर्म किया था, तो ये कैसा धर्म है? आप गीता देख लीजिए। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या सलाह दी? धर्मयुद्ध करने की सलाह दी ना। तो वो धर्मयुद्ध कैसा है? धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे? और कृष्ण जी भी तो कह रहे हैं, हतो वा प्राप्य से स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष से महिम, तस्मात उत्थाय कौन्तेय नैव पापम अवाप्यसि। कृष्ण क्या कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम जीतोगे तो यहाँ की पृथ्वी के राज्य का उपभोग करोगे, और अगर तुम मरोगे, युद्ध में वीरगति प्राप्त करोगे, तो स्वर्ग पाओगे। भाषा का फर्क है केवल। वही बात इस्लाम में कही जाती है कि तुम धर्म के युद्ध में अगर मरोगे तो जन्नत की प्राप्ति होगी। लेकिन अब रॉन्ग नंबर कहाँ पर है, गड़बड़ी का की जड़ कहाँ पर है? कि जब स्वर्ग की बात की जाती है, क्योंकि वहाँ की कौम वैसे ही जाहिल थी, तो बाद के जो लोग थे मोहम्मद साहब के बाद के, तो जितने खलीफा आते गए उन्होंने स्वर्ग के नाम पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं उनको बताई कि वहाँ पर ऐसी ऐसी हूरे मिलेंगी, शराब मिलेंगी, ऐसो आराम मिलेगा। और वही बात पौराणिकता में भी है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो सच्चा धर्म है यदि, तो वह वेद के आदेश का पालन करना है, ब्रह्मवाणी के आदेश का पालन करना है। अन्यथा वेद के अतिरिक्त जो पौराणिक कट्टरता है और पुराणों में जो अश्लीलता है, वैसे ही अश्लीलता, वैसे ही कट्टरता कतेब पक्ष में भी है। वहां पर जन्नत की बात की जाती है और जन्नत के हूरों का लालच दिखाया जाता है, और हिंदुत्व में पौराणिक जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि तुम अगर धर्म का पालन करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में कौन रहती है? अप्सराएं रहती है, तो लालच तो दिखाया ही जाता है। वास्तव में धर्म ऐसा नहीं है। धर्म इन दोनों से ऊपर है, इन दोनों से परे है। तो मोहम्मद साहब ने उस समय अपनी प्राण रक्षा के लिए हथियार उठाए, लेकिन बाद के लोगों ने मोहम्मद साहब की कुछ कुछ बाहरी चीज़ों की नकल की और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, केवल राजनीति को चमकाने के लिए मोहम्मद साहब की बातों का सहारा लिया, मुसलमानों को उकसाया कि देखो तुम अगर जीतोगे तो यहाँ भोग करोगे, अगर मरोगे तो जन्नत जाओगे, ऐसा कह कह करके साधारण जनता को उन्होंने ब्रेन वॉश कर करके युद्ध में झोंका और अपनी राजनीति चमकाई। आप पुस्तकालय में ही हैं, यहाँ पर एक खूनी इतिहास नाम की एक छोटी सी पुस्तिका है, आप पढ़ करके देखिए कि एक एक खलीफा ने किस किस तरह से अपने से पहले के राजा को छल पूर्वक मारा है, और हर युद्ध में उन्होंने अपने सैनिकों को धर्म का ही वास्ता दिया है। औरंगजेब ने भी अपने सैनिकों को यही कहा था कि अगर हमारी जीत होती है तो वो इस्लाम की जीत है। कैसे इस्लाम की जीत है? दूसरी तरफ दारा शिकोह भी तो मुसलमान था, शाहजहां भी तो मुसलमान था, ये इस्लाम की जीत कैसे होती? लेकिन नहीं। इसी तरह से बाबर जब आता है, पानीपत की लड़ाई होती है राणा सांगा के साथ, राणा सांगा की फौज बड़ी होती है, तीरंदाज अच्छे होते हैं, लेकिन जब बाबर हार रहा होता है, अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए वो वही भाषण देता है कि देखो ये इस्लाम की लड़ाई है, हमें इस्लाम के झंडे को ऊँचा करना है। इस तरह से वो धर्म के नाम पर उकसाता है, जन्नत का प्रलोभन देता है, स्वर्ग का प्रलोभन देता है, और उसके सैनिक मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं, क्योंकि कौम जाहिल है।
तो इसलिए श्री जी ने उस समय के मुसलमानों को समझाने के लिए, उस समय के मुसलमानों को धर्म का सच्चा अर्थ समझाने के लिए वाणी में सनंद, खुलासा आदि ग्रंथों का अवतरण किया, और यहाँ पर भी उसी प्रकार का प्रसंग बता रहे हैं। अब 40 साल की उम्र में दर्शन होने के पश्चात अगले 23 वर्षों तक अर्थात 63 साल तक मोहम्मद साहब जीवित रहे, और उनके जाने के बाद अब लड़ाइयाँ शुरू हुई। उनके जो चार करीबी थे, अली, अबू बकर, उमर और उस्मान, जिनमें सबसे योग्य थे अली, उनको खलीफा बनना था, मोहम्मद साहब की गद्दी उनको मिलनी थी, लेकिन उन मोहम्मद साहब का अंतिम संस्कार करते करते उनकी गद्दी पर अबू बकर बैठ चुका था। और उसके बाद अब उन्होंने सोचा उम्र के लिहाज से किया जाए, जो बड़ा है उम्र में उसको सबसे पहले खलीफा बनाया जाए। तो अब अंदर ही अंदर एक बार खलीफा बनने के बाद, एक बार सत्ता का स्वाद चखने के बाद उसका लालच नहीं जाता है, तो षड्यंत्र प्रारंभ हो गए। अली को जब प्रातःकाल का नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज की अवस्था में ही उसको मरवाया गया। उसके बाद उनके जो पुत्र थे या उनके जो नाती थे, उन सबको भी करबला के मैदान पर मरवा देता है यजीद। तो ये सब कौन थे? मारने वाले भी मुसलमान ही थे और जो मरे वो भी मुसलमान थे। तो इन्होंने क्या किया कि इस्लाम का ही उन्होंने अर्थ गठन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करना शुरू किया। मुसलमान ही मुसलमान को मारने लगा। ये तो आज हिंदुस्तान में कई बार कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है हिंदुत्व के कारण, जबकि इस्लाम को भी खतरा सबसे ज़्यादा मुसलमानों से ही है। आज आप चाहे अफगानिस्तान जाइए, इराक जाइए, सीरिया जाइए, पहली बात तो कोई जाना नहीं चाहता है। वहाँ के मुसलमान को कहा जाए कि क्या तुम यहाँ खुश हो, कोई भी नहीं कहेगा। आज भारत का मुसलमान शरियाई कानून चाहता है, लेकिन उसको कहा जाए कि जहाँ पर शरियाई कानून है क्या तुम वहाँ जा कर के रहने के लिए तैयार हो, वो कहेगा नहीं। तो ये केवल सत्ता के लिए हथकंडे होते हैं, जिसमें इन्होंने कुरान के अर्थ का दुरुपयोग किया है। कुरान के गलत आयतों का प्रयोग करके इन्होंने केवल राजनीति की है। अब मोहम्मद साहब के जाने के 990 वर्ष के बाद, क्योंकि मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, कल के दिन खुदा आएंगे, फरदा रोज को। कल का दिन का अर्थ क्या होता है? कुरान में ही एक आयत में कहा गया है कि दुनिया के जो 1000 साल होंगे वो खुदा की एक दिन के बराबर होगा, और खुदा की एक रात के बराबर दुनिया के 100 साल होंगे। तो उस हिसाब से 1100 वर्ष के बाद अथवा 11वीं शताब्दी में परब्रह्म इस संसार में प्रकट होंगे, खुदा जाहिर होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उस भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए भविष्य पुराण की जो भविष्यवाणियाँ हमने पहले दिन की चर्चा में सुनी कि जिस समय औरंगजेब का राज्य होगा, मही तले च मलेक्षानाम राज्य वंश प्रवर्तते परस्परे विरोधे च औरंग आख्य भवेद यदा, उस भविष्यवाणी को भी सिद्ध करने के लिए अब जिन ब्रह्म सृष्टियों की खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, जिनकी अर्थात किसी की भी पूरी नहीं हुई थी, तो वे सभी ब्रह्म सृष्टियाँ श्यामा जी के साथ में विक्रम संवत 1638 में इस कालमाया के ब्रह्मांड में आती है। क्या कह रहे हैं कि संवत 1638 से आशु सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़मो। त्रेता और द्वापर के दो तपस्वी जीव थे, एक का नाम है देवापी और एक है मरु। दोनों ने तपस्या की है, एक सूर्यवंश के हैं मरु और एक है चंद्रवंश के देवापी। दोनों ने जब तपस्या की, तपस्या करते करते उनको अंतः प्रेरणा हुई एक कि 28वें कलयुग में
परब्रह्म इस कालमाए के ब्रह्मांड में आकर के दो रूपों में, दो तनों में बैठकर लीला करेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो जिन दो जीवों के ऊपर बैठेंगे वो हम हो। तो भागवत का कथन है, देवापि संतनुर भ्राता मरुच इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो तावि हैत्य कलेरंते वासुदेवानु शिक्षितो वर्णाश्रम युतम धर्म पूर्ववत प्रथयिष्यता। देवापि जो शंतनु के भाई हैं, शंतनु कौन है? महाभारत आप लोगों ने पढ़ी है, देखी है। तो भीष्म पितामह के जो पिता हैं वो हैं शंतनु। तो उनके जो भाई हैं उनका नाम है देवापि। किसी कारणवश देवापि को राज्य नहीं मिल पाया तो दुखी हुए और तपस्या के लिए चले गए थे। तो उन्होंने भी तप की और मरु ने भी तप की, और उन्होंने तपस्या कहाँ पर की? कलाप ग्राम में। कलाप ग्राम कौन सा स्थान है? कलयुग के जो साधु हैं तपस्वी वो उस स्थान को ज्ञानगंज भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जो इन भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता है, तपस्वियों का स्थान है। एक हमारी पुस्तकालय में भी ही शायद एक पुस्तक है जिसको मैंने कई वर्ष पहले पढ़ा था, लाहिड़ी महाशय की जीवनी है, उसमें उस स्थान का वर्णन आता है। संक्षेप में थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया है, जहां पर कई सौ वर्षों के योगी, कई हजार हजार वर्षों के योगी तपस्या कर रहे हैं, और वो स्थान ऐसा है उन तपस्वियों के, उन योगियों के योग बल से कि वहाँ सर्दी गर्मी वर्षा भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। तो इसीलिए वो समझ लीजिए कि धरती पर स्वर्ग की तरह, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है, लेकिन सब अपनी तपस्या में समाधि में रहते हैं। तो ऐसे स्थान में इन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके जो वरदान प्राप्त किया तो उसी वरदान के फलस्वरूप सर्वप्रथम पहला जो तन है जिसको परब्रह्म धारण करने वाले हैं उनका नाम है देवचंद्र। विक्रम संवत 1638 का समय है, आसो सुदी 14, आश्विन का महीना है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, और वहाँ मारवाड़ में, मारवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, और वर्तमान समय में वो स्थान, क्योंकि मारवाड़ जो स्थान है उसमें भी गांव था उमरकोट, अब वो पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद, वरना एक समय तो एक ही था बंटवारे से पहले। तो वहाँ पर उमरकोट गांव है, पिता का नाम है मतु मेहता, माता का नाम है कुंवरबाई, उस घर में श्री देवचंद्र जी का जन्म होता है। उनके जन्म की अवस्था बताई जाती है, कह रहे हैं कि जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, त्रिगुणात्मक जो संपूर्ण संसार के जितने भी जीव हैं उन सबको देवचंद्र जी के जन्म की बधाई मिल रही है। ये आलंकारिक वर्णन है। बधाई क्यों? क्योंकि उस तन के द्वारा इस संसार में वो ज्ञान जाहिर होना है जिस ज्ञान के जाहिर होने से समस्त जीवों को अखंड मुक्ति की सौगात प्राप्त होनी थी, इसलिए सबको बधाई एडवांस में। तो आगे कहते हैं, सुखदाई सबन को अखंड करनहार, विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित सो कहियो विचार। सुखदेव ने ये बात परीक्षित से पहले ही कह दी थी कि ये सबको अखंड मुक्ति देने वाले हैं। दुनिया के लोग कहाँ तक की वंदना करते थे? अधिकतम
विश्व बंदे अक्षर लो, अक्षर तक की वंदना करते थे, अक्षर तक की भक्ति करते थे, लेकिन अब अक्षर से परे अक्षरातीत की पहचान दिलाने वाले स्वरूप का प्रकटन हो चुका है और जिनके द्वारा सतयुग के बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। इनके द्वारा सतयुग के बीज संसार में जाहिर होंगे। सतयुग के बीज जाहिर होने का तात्पर्य क्या है? जो चार युगों का वर्णन किया जाता है, ये चार युग का अर्थ होता है समय, और यहां समय का तात्पर्य अवस्था से भी है। कली किसे कहते हैं? अज्ञानता को कली कहा जाता है। तो अज्ञानता की नींद में सोना कलियुग है। कलि शयानो भवति, अज्ञानता की नींद में सोना कलियुग है। उस दृष्टि से द्वापर युग किसे कहेंगे? ज्ञान प्राप्त करके जाग जाना। तो कहा गया संजिहानस्तु द्वापरः, ज्ञान से जाग जाने का नाम है द्वापर। उसके बाद उत्तिष्ठत त्रेता भवति, जाग तो गए नींद से, लेकिन अब खड़े हो जाना, उत्तिष्ठ मतलब उठ जाना, खड़े हो जाने का नाम है त्रेता। धावमान इति सतयुग, धावमान मतलब धाव कहते हैं दौड़ना, अब लक्ष्य प्राप्ति की तरफ दौड़ना सतयुग है। इसी प्रकार एक दूसरी मान्यता के अनुसार क्या कहा जाता है, सतयुग में धर्म के चार चरण हैं। कौन कौन से? सत्य, तप, ज्ञान और कर्म। त्रेता में तप, ज्ञान और कर्म, द्वापर में ज्ञान और कर्म तथा कलयुग में कर्म। इसलिए क्या कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जे जस करहि तासु फल चाखा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सतयुग में असत्य नहीं था, लेकिन बोलबाला किसका था? सत्य का है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कलयुग में सत्य नहीं है। यदि सत्य न हो तो पृथ्वी टिक ही नहीं सकती है। क्या कहते हैं, वेद सत्य न उद्भित्ता भूमि। इस भूमि को किसने धारण कर रखा है? सत्य ने धारण कर रखा है। आज भी एक साधारण उदाहरण दिया जाए, कोई भी व्यक्ति नींद लेता है ना, सो पाता है, ये किसके कारण है? सत्य के कारण। यदि मनुष्य किसी पर भी विश्वास न करता, इस संसार के किसी पर भी विश्वास न करता, तो क्या मनुष्य सो पाता? आप सभी बच्चे हैं, अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, इसका कारण क्या है? विश्वास है ना। अगर सभी एक दूसरे पर शंका करें कि क्या है, कहीं ये रात को मुझे मार तो नहीं देगा, तो क्या होगा, कोई व्यक्ति सो ही नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा उदाहरण दिया मैंने, सबसे सरल भी। तो पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? सत्य पर। लेकिन बोलबाला कलयुग में असत्य का अधिक है, और चारों युगों को समझने के लिए किसी लेखक ने एक बहुत सुंदर लेख लिखा था, जिसको मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा। कहते हैं कि सतयुग में अच्छाई और बुराई अलग अलग लोकों में रहा करती थी। आपने पौराणिक जो कहानियां पढ़ी है, उसमें क्या पढ़ा है कि राक्षस जो है वो पाताल में रहते थे और देवता रहते थे अपने स्वर्ग लोक में। फिर राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया और फिर देवताओं ने विष्णु जी के सहायता से राक्षसों पर विजय प्राप्त किया। ऐसी आपने कई कहानी पढ़ रखी है, सुन रखी है, टीवी में नाटक के रूप में देख रखा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि सतयुग में अच्छाई और बुराई भिन्न भिन्न लोकों में थी। त्रेता युग के अंदर एक ही लोक में अच्छाई और बुराई आ गई है कि नहीं? भारतवर्ष के अयोध्या नामक राज्य में श्री राम है, और भरत खंड के ही लंका में कौन है? तो पृथ्वी लोक में ही अब अच्छाई और बुराई के प्रतीक हैं। त्रेता युग में अच्छाई और बुराई के प्रतीक यही दोनों तो है ना। त्रेता युग की कोई और विशेष कहानी आपको मालूम है?
यही कहानी है रामायण की। तो अच्छाई और बुराई अब एक ही लोक में है, पर देश अलग अलग है। इसका मतलब क्या है? अच्छाई और बुराई थोड़े और नज़दीक आ गए। द्वापर युग के अंदर आपने द्वापर युग के कहानी के रूप में कौन सी कहानी पढ़ी है? महाभारत है कि नहीं? महाभारत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? कौरव और पांडव के बीच में। अब अच्छाई और बुराई और नज़दीक आ गए, उनकी दूरी और कम हो गई। एक ही परिवार के हैं ना कौरव और पांडव, चाचा ताऊ के लड़के हैं कि नहीं? कौरव और पांडव कौन है? चाचा ताऊ के लड़के ही तो हैं। तो द्वापर युग में और नज़दीक आ गए। अब कलयुग में अच्छाई और बुराई कहाँ है? अब हर मनुष्य में है कि नहीं? कलयुग के अंदर एक ही मनुष्य में आधी अच्छाई होंगी आधी बुराई होंगी, 50-50% भी हो सकता है ना, किसी में प्रतिशत थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से युग को हम अवस्था से समझते हैं, युग को हम समय से भी समझते हैं, परिस्थिति से भी समझते हैं। तो यहाँ चौपाई क्या कहती है? सतयुग के बीज भूत इनों बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार। सतयुग के बीज का तात्पर्य है धर्म का जो मूल है वो इन दोनों के अंदर रहेगा, इन दोनों जीवों में रहेगा, जिनसे इस संसार में प्रकट होगा और उस धर्म के द्वारा ही सारा जो संसार है वो अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। और इस बात की भविष्यवाणी धर्म ग्रंथों में पहले से लिखी थी। कहते हैं जब को ये ब्रह्मांड तब को ये वचन, जन्म से ले बीतक जाके सुने पति जे मन। जब से ये संसार बना है और जब धर्म ग्रंथ लिखे गए तभी से धर्म ग्रंथों में ये साक्षियां ये प्रमाण लिखे गए थे कि ऐसा भविष्य में होगा। तो इस तरह से अब जिनके विषय में भविष्यवाणी की गई थी उनका जन्म होता है कब? विक्रम संवत 1638 में। और कहते हैं कि अब उनकी जो बीतक है, कह रहे हैं तीन स्वरूप की बीतक, जन्म से लेकर सो कहो आगे संयनों ए चर्चा सब ऊपर। अब जन्म से लेकर, जन्म के दिन से लेकर के उनकी बीतक बताने जा रहे हैं, जिनकी चर्चा सर्वोपरि है। सर्वोपरि का तात्पर्य कि इनसे ऊपर कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। दुनिया के किस्से कहानियां भले ही हो, लेकिन देवचंद्र जी की बीतक है, प्राणनाथ जी की जो बीतक है, उनसे ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। तो इस प्रकार अब बीतक की बात प्रारंभ करने जा रहे हैं। देवचंद्र जी की बीतक प्रारंभ हो रही है। जन्म हुआ 1638 में। और कहते हैं जब भया बरस अग्यारवा, तब मन उपजो विचार, मैं कौन, कहाँ से आइया, कहाँ मेरो भरतार। आप में से 11 वर्ष और उससे कम उम्र के कितने बच्चे, एक बार हाथ खड़ा करना, 11 या उससे कम उम्र के कोई है? आप में से किसी के भी मन में 11 साल की उम्र में ऐसे प्रश्न आए थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? 11 साल की उम्र में बच्चा लगभग चौथी या पांचवी क्लास में आज पढ़ रहा होता है। स्कूल से घर आते ही सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? मम्मी खाना कहाँ है कि नहीं? या अगर खाना नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे मम्मी कहाँ है कि नहीं? टेलीविज़न का रिमोट कहाँ है? आजकल पूछेंगे मोबाइल कहाँ है कि नहीं? यही सब पूछेंगे ना। देवचंद्र जी के मन में 11 वर्ष की उम्र में वो प्रश्न आ रहे हैं। एक कहावत कही जाती है ना, होनहार बिरवान के होत है चिकने पात। तो उनके मन में आध्यात्मिक जगत के मूल प्रश्न, जिनको कहा जाता है, जिनको सृष्टि के अनादि प्रश्न कहे जाते हैं, जिन प्रश्नों की खोज में उपनिषद आदि की रचना की ऋषियों ने, जिन प्रश्नों के उत्तर की खोज में 6 दर्शन लिख डाले, वो प्रश्न देवचंद्र जी के मन में 11 वर्ष की उम्र में उत्पन्न होते हैं कि को अहम कुतः आगतो अस्मि, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और कहाँ मेरो भरतार, मेरे आत्मा का पति, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। अब अध्यात्म की यात्रा यहाँ से शुरू होती है।
क्या कहते हैं ग्रंथकार शास्त्रकार ऋषि, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म की भी जिज्ञासा होनी चाहिए और ब्रह्म की भी जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा का मतलब क्या है? जानने की इच्छा। इच्छा कब होती है? जब ज़रूरत होती है। आवश्यकता महसूस हुई, उससे इच्छा उत्पन्न हुई। जब इच्छा उत्पन्न होती है तो कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहाँ इच्छा वहाँ उपाय, जहाँ चाह वहाँ राह। अब देवचंद्र जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुए तो अब उत्तर खोजते हैं। और उत्तर कैसे कैसे खोजा उन्होंने? कलश की वाणी में हम गायन करते हैं ना, पिया में बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी, को ही बतावे पिया ठौर। सब जगह पर देवचंद्र जी खोजते हैं, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं रखते। जहां पर उनकी बुद्धि पहुंची वहां देवचंद्र जी पहुंच गए। किसकी खोज में? प्रश्नों के उत्तर की खोज में, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। तो आसपास वो खोज करते हैं। खोज की प्रवृत्ति सब में होनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य में। और मनुष्य का वास्तव में स्वभाव ही खोज का होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है? खोज वाली प्रवृत्ति होती है। आप क्या देखेंगे, छोटा बच्चा जैसे ही बोलना सीखता है तो सवाल पूछने लगता है, माँ से पूछता है, पिता से पूछता है कि माँ ये क्या है, पिता से पूछता है ये क्या है। एक बार नहीं पूछेगा, दर्जनों बार पूछेगा। जब तक याद नहीं हो जाता तब तक पूछता है। तो अब शुरू शुरू में जब पूछता है, तुतला करके पूछता है, तो माता पिता को, पेरेंट्स को, अभिभावक को बढ़िया लगता है, तो वो जवाब देते हैं। एक बार नहीं बार बार जवाब देते हैं, 10 बार नहीं 100 बार जवाब देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वही जो पूछने की आदत है माता पिता के लिए सिरदर्दी बन जाते, क्योंकि बच्चा हर बात में पूछने लगता है। और पूछने के बाद जब कहीं उसकी उसको उन उत्तरों से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो फिर प्रति प्रश्न काउंटर क्वेश्चन पूछने लगता है, तर्क करने लगता है, क्योंकि प्रवृत्ति कैसी है? खोज की। अब जब जवाब नहीं आता है तो माता पिता डांट देते हैं कि हर बात पे सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर क्यों का जवाब नहीं होता है। इस तरह से बच्चे को रोका जाता है और मनुष्य की खोज की प्रवृत्ति दब जाती है। अभी देवचंद्र जी की खोज की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। और कैसे खोज करते हैं? पूछत फिरे परदेश में, कहाँ है परमेश्वर, परमात्मा कहाँ पर है। परदेश में खोजने का तात्पर्य क्या है? दूसरे देश में नहीं। उस समय में सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब भारत को एक किया तब भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था देश। तो ये तो उससे भी लगभग 350 साल पहले की बात है। तो उस समय छोटे छोटे जो गांव हुआ करते थे, गांव के जमींदार हुआ करते थे, जमींदार स्वयं को राजा कहते थे और अपनी जो पंचायत है, अपने जो गांव है उसको देश मानते थे। तो इस तरह से आसपास के गांव में जा कर के देवचंद्र जी खोज करते हैं कि परमात्मा कहाँ पर है। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, जिस परमात्मा ने सबको उत्पन्न किया है वो परमात्मा कहाँ पर। अब खोज शुरू हुई, लोग उत्तर देने वाले मिलते हैं तो कैसे देते हैं? को कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जान्या वह निकट एही ग्रहों में सार। देवचंद्र जी को उत्तर मिलता है कि देखो परमात्मा तो घट घट में है, अर्थात प्रत्येक कण में है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। देवचंद्र जी ने सोचा घट घट में, इसका मतलब तो नजदीक है, और नजदीक है तो फिर मैं उनको ढूंढ लूंगा। ये सार उन्होंने ग्रहण किया। और अब कहाँ ढूंढते इधर उधर, उनके घर के पास में, उनके गांव में एक मंदिर था जिसको पिंगल श्याम का मंदिर कहा गया है। पिंगल श्याम मतलब कृष्ण जी की वहां पर मूर्ति रखी हुई टेढ़ी वाली। तो उसकी परिक्रमा करते हैं, सुबह लोटे में जल लेकर के नित्य क्रिया के लिए निकलते हैं। नित्य क्रिया करने के बाद प्रतिदिन एक प्रहर अर्थात 3 घंटे की वो प्रदक्षिणा देते हैं।
हमें तो चुपचाप एक जगह पर शांति से 3 घंटा बैठा नहीं जाता है। देवचंद्र जी परिश्रम करते हैं 3 घंटे तक, वो भी उम्र क्या है उनकी, अभी तो 11-12 साल की उम्र है, तो वो परिक्रमा करते हैं। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पोहर, फिर दंडवत करके मेहनत करे अति जोर, बहुत परिश्रम करते हैं। और वो परिश्रम इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। अब श्री लालदास जी देवचंद्र जी की उस परेशानी के विषय में बताते हैं कि वो परेशानी क्यों थी, कि उस देश में कोई भी साधु संत नहीं आता था उस प्रदेश में, और उसका कारण क्या है, क्योंकि साधु संतों को प्रतिदिन दिन में एक बार नहीं अनेकों बार जल की आवश्यकता पड़ती है, पीने के लिए तो ठीक है, नहाने के लिए, शुद्ध होने के लिए, क्योंकि जो कर्मकांडी साधु होते हैं वो एक दिन में कम 3-3 बार नहाते हैं, कोई तो 7-7 बार भी नहाते हैं, और देवचंद्र जी के गाँव में पानी का अभाव था इसलिए कोई भी नहीं आता था। अब यही कसनी चल रही थी तो एक दिन क्या हुआ, पिताजी का व्यापार था, व्यापार के सिलसिले में वो कच्छ जाते हैं, और कच्छ जाते हुए अपने पुत्र को भी साथ में लेके जाते हैं। जब वो कच्छ जाते हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिर भी बहुत हैं, साधु भी बहुत हैं, तो मैं वापस कच्छ जाऊँगा और वहाँ जा कर के परमात्मा की खोज करूँगा, मेरे मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर की खोज करूँगा। अब क्या हुआ, घर के लोगों से खटपट होनी शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा विवाद होना शुरू हुआ, जाने की इच्छा जताते होंगे, घर वाले मना करते होंगे, तो क्या हुआ, कहते हैं घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, दुनी से वैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। अब देवचंद्र जी के मन में वैराग्य तो था ही, वैराग्य किसे कहते हैं, जिन जिन विषयों को हम देखते हैं और सुनते हैं उनके प्रति तृष्णा का समाप्त हो जाना, इसको कहते हैं वैराग्य, अथवा इसको सरल शब्दों में कहे तो तृष्णा का समापन ही वैराग्य है। तृष्णा से वैर होना, राग से वैर होना, ये वैराग्य है। तो उनके मन में वही वैराग्य है, दुनी से वैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। दुनिया के जो लोग हैं, घर के रिश्तेदारी के जो लोग हैं, उनको देखते ही देवचंद्र जी के मन में आग लगती है। आग लगने का मतलब वो चिढ़ जाते हैं कि ये लोग माया की ही बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, दुनियादारी की बात करते हैं, तो इसलिए उनको बुरा लगता है। अब घर परिवार कुटुंब के रिश्तेदार के लोग देवचंद्र जी को समझा करके थक जाते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। उनके मन में तो एकमात्र इच्छा अभी यही है कि किसी तरह से कच्छ जाना है और वहाँ जा करके खोज करनी है, और इस तरह से वो ये चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मुझे कच्छ तक पहुँचा दे। तो इसी खोज के क्रम में देवचंद्र जी को पता चला कि उमरकोट का जो राजा है, अथवा जमींदार समझ लीजिए, उनका जो वजीर है, मंत्री है, वो राजकुमार के तलवार का विवाह कराने के लिए, जिसको खांडा विवाह कहा जाता है, तलवार विवाह कहा जाता है, तो तलवार का विवाह कराने के लिए वहाँ से कच्छ जा रहे थे। खांडा विवाह का प्रचलन क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, उस समय क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं, सैनिक कितने ही हैं, देखिए राजकुमार का तलवार विवाह करने के लिए 200 लोग जा रहे हैं, 200 लोग तो आज एक सामान्य व्यक्ति की शादी में भी इकट्ठे हो जाते हैं, बाराती है कि नहीं, तो यहाँ 200 सैनिक हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़े राजा नहीं है। तो पहले के समय में जब दूर जाते थे विवाह के लिए बारात के रूप में, तो कई बार रेगिस्तानी जो रास्ता होता था वहाँ पर लुटेरे डाकू होते थे, अचानक से हमला कर देते थे और लूटपाट करके भाग जाते थे, और उस अचानक हुए हमले में किसी की जान भी जा सकती थी, और उसमें राजकुमार की जान बचाने के लिए पहले तलवार भेजी जाती थी, तलवार के साथ लड़की का विवाह होता था, फिर वहाँ से बाराती जो गए होते थे प्रतिनिधि बन के, वो लड़की को लेकर के आते थे, दुल्हन को लेकर आते थे, फिर
ससुराल में आने के बाद पुनः दोबारा शादी कराई जाती थी। अब आप में से किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि लड़की के जान की भी तो कीमत होती है कि नहीं, केवल राजकुमार की रक्षा की बात क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि आज भी आप देखेंगे भारत जो है वो पितृसत्तात्मक देश है, पुरुष प्रधान देश, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा थी। आज तो फिर भी महिलाओं को समान अधिकार दिया है कानून ने, सामाजिक रूप में भले ही पूरी तरह से पालन हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन आज स्त्री के पक्ष में बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं। उस समय सुनने वाला कौन था? तो उस समय तो ये देखा जाता था कि जो पुरुष है वो कुल दीपक होता है। मान लो अगर एक लड़की किसी कारण से अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो दूसरी शादी कराई जा सकती है, लेकिन अगर राजकुमार मर गया तो कुल का दीपक समाप्त हो जाएगा, ऐसी सोच थी उस समय के लोगों की। तो इसलिए ये तलवार विवाह का प्रचलन था। अब हम आते हैं वापस प्रसंग में। तो जब देवचंद्र जी को पता चला कि यहाँ से ये लोग खांडा विवाह के लिए जाने वाले हैं, देवचंद्र जी गए वजीर के पास और कहा कि मैं भी कच्छ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास कौन सी सवारी है, मतलब आप घोड़े में चलोगे, ऊँट में चलोगे, कैसे चलोगे? देवचंद्र जी कहते हैं कि हम तो पैदल ही चल पाएंगे, मेरे पास तो कोई सवारी साधन नहीं है। तो वजीर ने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा, बिना सवारी के हमारे साथ कैसे पहुँचोगे, तुम पैदल और हम घुड़सवार। देवचंद्र जी ने कहा कि हम चले जाएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो वजीर ने मना कर दिया, सोचा कि ये बीच में कहीं छूट गए तो हमारे मत्थे आ जाएगा, हम पर आरोप लग जाएगा, और इनके साथ साथ अगर हम चलने लग गए तो हम तो दो दिन में भी नहीं पहुंच पाएंगे पैदल, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब देवचंद्र जी वहाँ से लौट आए, लौटते हुए सोचते हैं कि मुझे शादी में तो जाना नहीं है, बारात में खाने तो नहीं जाना है, फिर मैं इनसे क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे जाना है, मैं अपने तरीके से जाऊँगा, इनके पीछे पीछे चला आऊँगा। ये सोच करके देवचंद्र जी घर आते हैं। घर आकर के अब बारातियों के साथ जाने की तैयारी करते हैं। तो घर आने के बाद में थाली, कटोरा, आवश्यक जो बर्तन हैं, पानी भरने के लिए लोटा, कमर में एक थैला बांध लेते हैं, कुछ कपड़े पहनने के लिए लेते हैं, और इस तरह से थैला में सामान वगैरह बांध करके तैयार होते हैं और फिर सोचते हैं कि खाना वाना खाया जाए। खाना खाने के बाद अब लगभग शाम के 4:30 बजे का समय होता है, क्योंकि रेगिस्तान में चलना है, दिन में चल पाना संभव नहीं होता है, तो रात को चांदनी के चंद्रमा के उजाले में चलते हैं, शीतल शीतल अवस्था में। तो यही सोच करके अब शाम को बाराती चलने वाले हैं, उधर सारे असवारी तैयार होते हैं। इधर देवचंद्र जी अब अपनी तैयारी तो कर चुके होते हैं, लेकिन घर के दरवाजे पर ही माता पिता बैठे हुए हैं, तो उनके कारण थोड़ी देरी हो जाती है। जैसे ही माता पिता इधर उधर जाते हैं, नज़र बचा करके देवचंद्र जी वहाँ से भाग जाते हैं। जिधर से घुड़सवार लोग जा रहे होते हैं, धूल का जो गुब्बार उड़ता है उसको देख करके उसी के पीछे हो लेते हैं। अब गए, चलते 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 घुड़सवार तो काफ़ी आगे पहुँच गए। देवचंद्र जी की उम्र उस समय 16 वर्ष की है, अर्थात पहले के 5 वर्ष उन्होंने आसपास खोज में, परिक्रमा इत्यादि में, मूर्ति की परिक्रमा में ही लगाए। अब 16 वर्ष की अवस्था है, चलते चलते अंधेरी रात हो गई। अंधेरी रात का तात्पर्य चंद्रमा तो है, लेकिन चांदनी रात में भी कितना ही स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, और रात्रि के समय में रेगिस्तान में बहुत तेज़ हवा चलती है, और इसकी खासियत यह है कि रेगिस्तान में एक जगह की जो रेत है वो उड़ा करके दूसरे जगह पर ले जाती है, तो जो घोड़े के पैरों से पद चिन्ह बने हुए थे, पैरों के टाप बने हुए थे, वो सभी बालू से ढक जाते हैं। अब रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। आप सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग 16 वर्ष के हैं, औसत उम्र लगभग 16 से 18 साल की होगी, किसी की 20-22 भी है, किसी की 13-14 भी है। आपको चांदनी रात में, पास में धर्मकांटा है ना, अकेले वहां जाकर के
वापस आने के लिए कहा जाए तो ऐसा कौन है जो बिना डर के जा सकता है वापस, किसी की सहायता के बिना, है ना? डर लगेगा जबकि बिल्कुल पास में है। और 2 किलोमीटर सरसावा जाके आने के लिए कहा जाए तो, और देवचंद्र जी लगभग लगभग 120 किलोमीटर की दूरी बताया जाता है, शायद 120 किलोमीटर तो होगा ही, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो इतनी दूरी की यात्रा उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अकेले तय करने की सोची है। सोचना ही पहली बात तो बहुत बड़ी बात है, हम तो इतना सोच भी नहीं सकते कि रात को अकेले 1 किलोमीटर तक जा कर के आए। और आजकल के तो बच्चे घरों में जो रहते हैं, माताएं जिन बच्चों को कॉकरोच से डराती है, वे बच्चे रात को उठ करके वॉशरूम तक जाने के लिए भी डरते हैं और अपने माँ को उठाते हैं या फिर भाई को उठाते हैं कि भाई चलना, डर लग रहा है। और ऐसे में अगर वो जो जंग लगा हुआ दरवाज़ा या जंग लगी हुई खिड़की होती है ना, उसके खुलने की जो आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आ गई तो फिर हो गया कल्याण। देवचंद्र जी 16 वर्ष की उम्र में निकले हैं, उनके मन में एक ही तड़प है। उनको अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख दिखाई पड़ रही, इसलिए उनके हृदय में डर का कोई स्थान नहीं था, लेकिन शंका थी। शंका किस बात की? उनको ये आजकल के बच्चों की तरह जो छोटे छोटे बच्चों को भूत प्रेत इन सब से डराया जाता ना, वैसा डर नहीं था कि कोई आ जाएगा। उनको ये था कि अगर कोई चोर लुटेरा आ गया और उसने मुझे बंधक बना लिया तो मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा, ये डर था उनके मन में। तो अब चलते चलते क्या कहते हैं, तहां चली राह न पाइए, भय चोरन का जोर, एक दोहे निभाए ना सके, है इन भात का ठोर। वहां तो एक दो लोगों से भी गुजारा नहीं होता, इसलिए तो ये 200 लोग जा रहे थे चोरों से रक्षा के लिए। अब क्या कहते हैं, वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द। अब चोर का थोड़ा डर है, अवस्था तो बालक की ही है, 16 साल उम्र ही क्या होती है, अभी तो मूंछ की रेखाएं भी घनी काली नहीं होती है, हल्की हल्की भूरी ही हुई होती है। तो उस उम्र में देवचंद्र जी के मन में अब थोड़ा डर है कि कहीं चोर ना आ जाए, तो एक वो डर थोड़ा सा। और आप सबको पता है कि जिस भी व्यक्ति को अचानक से डर लगता है उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि हर भावना का हमारे शरीर के साथ में एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। डर के साथ भी ऐसा ही है, जब डरते हैं तो हमारे शरीर में वो उस प्रकार की एसिड, उस प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है जिससे कि वात बनता है, पेट में दर्द शुरू होता है। और एक तो क्योंकि लगातार दौड़ रहे हैं तो दौड़ने पे भी पेट में दर्द शुरू होता है। तो इस तरह से देवचंद्र जी के पेट में थोड़ा दर्द है। ऐसे चलते चलते पता भी नहीं चल रहा है कि हे कौन जागा सरहद, मैं कौन सी जगह पे पहुंचा हूँ, किस राजा की सीमा में पहुंचा हूँ, कुछ अता पता नहीं। और ऐसे चलते चलते कहते हैं, यों करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई, ऐसो आयो विचार। अब एक व्यक्ति ने वहाँ पर दर्शन दिया, एक व्यक्ति सामने आया। अब उनको देखा तो देवचंद्र जी चौंक गए, उनके मन में और डर हुआ, क्योंकि देखने में कैसे हैं, चोर की तरह दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं, ए चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठौर, मेरा कछु न चलहे, मुझ गई दिस और। अब ये चोर मुझे मार डालेगा, अब तो मेरी दिशा ही अब अलग हो गई, डायरेक्शन ही चेंज हो गया। दिशा बदलने का मतलब मैं क्या लक्ष्य लेके चला था और अब मेरे साथ क्या हो रहा, क्या होने वाला है, ये उन्होंने सोचा। और इतने में वो शख्स पास में आया, और उस शख्स की वेशभूषा कैसी थी, जैसा देवचंद्र जी के मन में डर था कि रास्ते में चोर न मिले, चोर मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने कटार रखी थी, तलवार रखी थी। तो उनको रास्ते में वैसे ही स्वरूप ने दर्शन दिया, वास्तव में तो चोर का वेश नहीं है, सिपाही का वेश है। पर अचानक से
अगर हाथ में हथियार लिए हुए, भाला बरछी तलवार लिए हुए, अच्छे लंबी घनी दाढ़ी वाला कोई व्यक्ति मिलेगा तो सब किसी के दिमाग में पहले सिपाही थोड़ी आएगा, अकेले दिखे तो चोर ही आएगा। देवचंद्र जी के मन में भी यही आया, लेकिन वेशभूषा कैसी थी? कहते हैं, ए वेश सिपाही का कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसो वेश ल्यावनहार। अब देवचंद्र जी को ये पहली बार दर्शन हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। तो सबसे पहले जो दर्शन हुआ, सिपाही का वेश है, कमर में कटारी और तलवार है, हाथ में बरछी अर्थात भाला है, और चेहरे पर दाढ़ी है। और आते ही वो शख्स सबसे पहले क्या कहता है, क्योंकि ये भी तो शंका है ना कि चोर के भय से तलवार न मार दें, और अगर शुरू में ही ऐसा प्रहार हो जाता तो फिर राज्जी को वहाँ पर आड़ी का लीला दिखानी पड़ती, चमत्कार दिखानी पड़ती, लेकिन वो नहीं चाहते थे। देवचंद्र जी स्वयं खोज करें ऐसा चाहते थे, उनको तो केवल डूबते को तिनके का सहारा देना था। थोड़ी माया भी तो दिखानी है ना, क्योंकि 16 साल की उम्र में ही तुरंत राज्य मिल गए तो फिर दुख देखना कहाँ हुआ, इसलिए वो दुख परेशानी माया भी दिखानी है, इसलिए केवल तिनके का सहारा देना है। तो सबसे पहले आकर के कहते हैं, तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्रीराज। सबसे पहले तो तलवार मांगी, तो देवचंद्र जी ने तलवार दे दी राज्य के हाथ में। देवचंद्र जी को उस समय पता नहीं है कि राज जी हैं, पर महामती श्री लालदास जी लिख रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा अपने भाव में कि राज जी के हाथ में उन्होंने दे दिया। अब राज जी ने क्या कहा, कहा छोड़ तू गाठड़ी, ये बातें देखी इनका आज। अब राज जी ने कहा कि तुम गठरी भी छोड़ दो। अब देवचंद्र जी सोचते हैं कि देखो तलवार भी ले ली, अब मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, सेल्फ डिफेंस भी नहीं है, गठरी भी ले ली। कहते हैं तब जानिया मुझे मारेगा, उनने कहे सुकन। अब सोचते हैं कि ये तो मुझे मार डालेंगे, लेकिन राजी ने क्या किया, अपनी एक पिछौरी जो होती है, कपड़ा होता है, उसको जमीन पर रेती के ऊपर बिछाया, उस पर देवचंद्र जी को कहा लेट जाओ। अब बेचारे बाल बुद्धि दिमाग चल ही नहीं रहा है कि मारना ही होता तो कपड़ा बिछा करके क्यों लेटाते, बिना कपड़े के लेटाते, और लेटाते ही क्यों ऐसे ही मार देते। लेकिन बेचारे बच्चे डर में वैसे भी तो दिमाग काम नहीं करता है ना, तो उनके मन में डर है कि कहीं ये मार न डालें, वो लेट जाते हैं। लेकिन जैसे ही लेटते हैं, अब राज्जी जो सिपाही के वेश में है, बर्छी पर एक हाथ से पकड़ करके एक पैर के पंजे से देवचंद्र जी की जांघ के मूल में, जंघा मूल, जैसे कभी कभी आपको पैर में चोट लगती है या घाव होता है तो जांघ के मूल में गांठ बनती है, पता है दर्द होता है वहाँ पे, तो वो जांघ का मूल है, तो वहाँ पर दबाते हैं। और वो जो जगह है एक्यूप्रेशर पॉइंट है, गैस के लिए, वात के लिए। तो जैसे ही वहाँ दबाते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है। देवचंद्र जी को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने पेट के दर्द का तो बताया ही नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क चल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि काफ़ी आराम हुए। अब राजी दूसरे तरफ भी पैर करके, दूसरे पैर के मूल में, जांघ के मूल में दबाते हैं और अपने शरीर का बोझ देते हैं, और फिर पूछते हैं कि अब कैसा है। देवचंद्र जी कहते हैं कि अब ठीक है पूरी तरह से। अब वही पिछौड़ी को झाड़ा, देवचंद्र जी के कमर में पिछौड़ी बांध दी, और उनका जो बोझ था, उनका जो भार था, वो राज जी ने अपने ऊपर लिया और वहाँ से चले। देवचंद्र जी को कहा कि चलो साथ में। अब उनको लगा कि ये मारने वाले तो ये है नहीं है, मारेंगे तो नहीं, पर ऐसा लगता है कि ये बंदी बना करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि उस समय गुलामी की प्रथा थी, दास प्रथा कई देशों में, तो उनको लगा कि ये बंदी बना करके, बांध करके बंधुआ मजदूर की तरह काम कराएंगे। तो सोचते हैं कि बंदी खाने रख के करेगा गुलाम, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, अब ये क्या काम कराएंगे।
इस तरह विचार करते करते चलते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं, हक सपने में भी संग ना छोड़े, है कि नहीं। राजी ब्रह्म सृष्टियों का साथ सपने में भी नहीं छोड़ते। जिस अक्षरातीत के सत अंक के इच्छा मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, वो आज देवचंद्र जी का झोला उठा रहा है। हम कभी इस दृष्टि से नहीं देखते कि राजी ब्रह्मात्माओं से कितना प्रेम करते हैं। देवचंद्र जी की थैली उठा रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं, उनके उनके दर्द को मिटा रहे हैं। ये राजी का प्रेम है। और केवल उनसे ही नहीं, उनका ही बोझा नहीं उठाया है राजी ने, हम सभी सुंदर साथ का, जिन जिन ने भी अपने आप को ब्रह्मात्मा का दावा किया है, कभी न कभी हम सब का बोझा उठाते हैं राजी, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, समय रहते हुए नहीं पहचान पाते। और जब तक पहचान आती है तब तक समय जा चुका होता है। कहा, एक कहावत कही जाती है कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आती है। जब समय होता है तब इंसान को समझ नहीं होती, और जब तक समझ आती है तब तक समय बीत चुका होता है। देवचंद्र जी को भी उस समय समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन है, लेकिन जब पहचान हुई होगी तो उस समय उनके मन में क्या भाव आया होगा, क्या भाव विवल हुए होंगे कि मेरा परमात्मा, जिसकी खोज के लिए मैं निकला हूँ, वो मेरा बोझा उठा रहा था। तो बोझा उठाते हैं और वहाँ से कहते हैं, मिल दो यहाँ से चले राह में अत जोर, लगे बात लौकिक पूछने कहो कौन तुम्हारो ठोर। अब दोनों मिल करके वहाँ से चलते हैं, राजी देवचंद्र जी के साथ चलते हैं और बातें कर रहे हैं। बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि देवचंद्र जी व्यस्त रहें तो उनके बारे में ना पूछे, क्योंकि राजी के बारे में पूछेंगे अगर किसी तरह से, वो तो राजी ने सारा सेटअप कर रखा है, लेकिन अगर पूछते तो राजी झूठ थोड़ी बोलते फिर। इसलिए उन्होंने देवचंद्र जी को पूरी तरह से व्यस्त रखा। अब आगे प्रश्नोत्तरी होती है, पूछते हैं माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कहाँ से आए हो। देवचंद्र जी सारा उत्तर देते हैं कि मेरी माता का नाम कुंवरबाई है, पिता मतु मेहता है, मारवाड़ देश में से उमरकोट गांव में से मैं आया हूँ। और वहाँ इस तरह से वहाँ के राजकुमार का विवाह होना है तो उनके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। इस तरह से लौकिक बात पूछते पूछते अब थोड़ी सी रात बाकी रह गई है। अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, जिन सैनिकों के साथ साथ जा रहे उनके पास पहुंचने वाले हैं। तो चलते चलते अब राजी ने वो जो पिछोरी कमर में बांधी थी वो वापस ले ली, अपनी पीठ पर जो गठड़ी थी वो देवचंद्र जी को दे दी, तलवार भी वापस दे दिया। और तलवार देने के बाद अब देवचंद्र जी को थोड़ी दूरी पर दिखा करके कहते हैं कि देखो तुम जिन सैनिकों के साथ आए थे क्या ये वही लोग हैं। अब क्योंकि पूरी तरह से उजाला भी नहीं होता है तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना बंदा कि अच्छा हाँ यही है। तो जब थोड़ा ध्यान दे करके देखा, अब उत्तर देना है कि हाँ ये तो वही है जिनके साथ में आया था। और उत्तर देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ वो स्वरूप नहीं है। कहते हैं पीछे फेर के देखही मेरा किनने पकड़ा हाथ, कि मेरा हाथ किसने पकड़ा था, अब वो है नहीं। वहाँ तो कछु न देखही कौन कहाँ गयो एह, ए तहकीक मेरा खावंद कियो विलाप याद करते है। उन्होंने वो विलाप किया और विलाप करने का कारण ये था, अब सोचते हैं कि परमात्मा तो मेरे सिर पर है, अर्थात हमेशा मेरे पास हैं। अब और मैं कहीं पर भी रहूं, यदि मेरे से कहीं चूक हो गई तो वो मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए अब मैं किसी भी तरह से हर हालत में उनको प्राप्त करके ही रहूंगा। और इस तरह से देवचंद्र जी दृढ़ निश्चय करके वहां से चलते हैं और जा करके अब कैसे उन सैनिकों के सरदार से और मंत्री से मिलते हैं, कैसे उनके साथ चल करके कच्छ देश पहुंचते हैं, कच्छ जा कर के किस तरह से खोज करते हैं, कैसे हरिदास जी के पास पहुंचते हैं और कैसे उनकी खोज की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कैसे उनको राज्य का दर्शन होता है, कैसे वो राज्य को प्राप्त करते हैं, वो सारी खोज की प्रक्रिया सुनेंगे हम कल तथा आगे आने वाले दिनों की चर्चा में। अभी के लिए
समय पूरा होता है, तो पैदो रहिए। ए तो तहकिक हुआ धनी है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाएंगे, खोज लेऊं इन पर, खोज लेऊं इन पर। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।